नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपके अपनी लाइफ डिजाइनर आचार्य जीतू सिंह। भाई, नवरात्रि आप बहुत श्रद्धा से रखते हैं, और तो और जो दुर्गा पूजा है उसे भी आप बहुत ही श्रद्धा से पूरी विधि विधान से सारी विधियों को पूर्ण करते हैं। लेकिन एक आखिरी पड़ाव होता है, जब कहा जाता है कि अगर आपका आखिरी पड़ाव बहुत अच्छा होता है तो माता रानी आपको बहुत ही प्रसन्न होकर के आशीर्वाद के ढेरों आशीर्वाद दे करके जाती है। इनफैक्ट आपकी झोलियां भर देती है खुशियों से, तरक्की से, उन्नति से, जो मांगना हो आप मांग सकते हैं। लेकिन जब हम नवरात्रि में जवारे बेचते हैं, या फिर हम मूर्तियों की स्थापना करते हैं, या फिर आप कलश की स्थापना करते हैं, तो आपको मालूम है वो सारी सामग्री का आपको क्या करना चाहिए? क्या वहीं रहने देनी चाहिए, क्या विसर्जित साथ में ही कर देनी चाहिए, या उनमें से कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो आपको अपने घर में ही रखनी चाहिए? एक एक करके हम सारी चीजें बताएंगे। सबसे पहले हम जवारे जो बीजते हैं, जब आप कन्या पूजन करते हैं तो कन्या बिठाने से पहले ही उन जवारों को थोड़ा सा जगह से हिला लीजिए, यानी उनका स्थान थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, क्योंकि आपने कन्याओं को स्थान देना है तो आपको माता रानी के स्थान को थोड़ा सा हिलाते हुए, यानी उनसे ये प्रार्थना करते हुए कि हे माता रानी, आप अगले नवरात्रि फिर मेरे घर में ऐसे ही खुशियों से आना और साथ के साथ बहुत सारे आशीर्वाद देकर के जाना, आज आपकी विदाई का समय है, तो आज हमें आपके आशीर्वाद की खास करके बहुत जरूरत है। ये कहते हुए श्रद्धा से उन्हें स्थान से थोड़ा सा हिला दीजिए। उसके बाद कन्या पूजन जब आप कर लेते हैं तो सारी सामग्री को, खास करके जवारे की बात कर रहे हैं, जवारे की सारी सामग्री को आप एक बहुत ही स्वच्छ पात्र में रख दीजिए, या फिर आप एक लाल चुनरी में उसे बहुत ही आदर सहित पूरे अच्छे से कवर करके रख लीजिए। फिर दूसरी बात आती है कि आपको उन जवारों को क्या करना चाहिए। या तो उन्हें विसर्जित किया जाता है एक बहते हुए पानी में या तालाब में, या फिर किसी ऐसी जगह पे जहां बहुत सारे लोग आजकल के इकट्ठे करके उन्हें बहुत ही श्रद्धा भाव से विसर्जित करने जाते हैं। यानी आपने जितनी श्रद्धा से व्रत किए हैं, जितनी श्रद्धा से नवरात्रि मनाए हैं, उतनी ही श्रद्धा से उन्हें विदा जरूर कीजिए। फिर आती है बात कि आपने एक चौकी जो रखी होती है, चाहे आपने दुर्गा पूजा के टाइम पे रखी है या फिर आपने जवारे के टाइम पे रखी है, माता रानी को जहां स्थापित किया हुआ है उन चौकी को क्या करना चाहिए? उस चौकी के ऊपर जो कपड़ा आपने बिछाया होता है उसे हटा दीजिएगा। उस कपड़े का प्रयोग आप अपने घर में भी कर सकते हैं, अपनी तिजोरी में भी रख सकते हैं, और महिलाएं अगर आप चाहें तो अलमीरा के अंदर जो कॉर्नर बिल्कुल एकदम साफ रहता है, जहां यहाँ के आपके गारमेंट्स नहीं होते हैं, वहां आप एक कॉर्नर में बहुत साफ सुथरी जगह पर उसे रख सकते हैं, या फिर आप अपनी तिजोरी में तो रख ही सकते हैं। चौकी पे आपने जब आपने जवारे वहां से हटा लिए तो आपको 3 दीपक ये जरूर जलाने चाहिए, जब तक विजयदशमी कंप्लीट नहीं हो जाती, यानी विजयदशमी की जो तिथि समाप्त होती है उसके बाद ही आपने दीपक जलाना बंद करने हैं। तब तक आपने डेली उस जगह पर दीपक जरूर जलाने हैं। फिर आती है बात, सुपारी की बात करते हैं, सुपारी कहाँ रखनी चाहिए? जो आपने बीच में सुपारियां रखी होती हैं वो क्या करनी है? सुपारी को एक लाल कपड़े में बांध लीजिए, अपनी तिजोरी में रख लीजिए। बहुत अच्छा उत्तम संयोग होता है कि माता रानी का साक्षात आशीर्वाद आपके ऊपर और आपके धन के ऊपर भी, यानी धन की बढ़ोतरी करते हैं ये। चावल, बहुत सारे लोगों ने एक पात्र में चावल डाल करके भी रखे होते हैं पूजा स्थान पर। नव दुर्गा की जब बात आती है, दुर्गा विसर्जन की बात आती है, या दुर्गा स्थापित करने की बात आती है, तो चावल भी रखे होते हैं उन्होंने, अक्षत जिसे हम कहते हैं, अक्षय फल देने वाले होते हैं ये। तो ऐसे में अक्षत आपने एक लाल कपड़े में बांध करके उसमें कुछ सिक्के डाल दीजिए, या तो 5 या फिर 7 या फिर 9 सिक्के, ये डाल करके आप थोड़े से चावल अपनी तिजोरी में रख दीजिए, और बाकी चावल जो है आप खाने के
डिब्बे में, जो आपके घर में जो चावल का प्रयोग करते हैं उसमें डाल दीजिए। फिर आते हैं कि आपने कोई चुनरी भी होती है, कई बार हम चुनरियां जो माता रानी को उड़ाते हैं वो तो साथ में विसर्जित कर देते हैं, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा चुनरियां भी होती हैं हमने रखी होती हैं, बस बिछा देते हैं, कलावा होता है। और आपको मालूम है एक चीज बताऊं, कलावे की बात करती हूँ, नारियल, नारियल को हमेशा आपको पूरे घर में प्रसाद रूप में बांटना चाहिए, और उसके अंदर जो जल होता है पूरे घर में छिड़काव करना चाहिए उसका। जितने दिन भी वो जल आप थोड़ा थोड़ा करके छिड़काव करते रहे, यकीन मानिए आपके घर की पूरी वाइब्रेशन से चेंज हो जाएगी। नारियल के ऊपर कलावा बांधा होता है। कहा जाता है कि अगर आप वो कलावा अपने बच्चों की कलाई में बांध देते हैं, यकीन मानिए आपके बच्चों की एकाग्रता बढ़ती है, आपके बच्चों की सोच में बहुत बड़ा बदलाव आता है, यानी बहुत ही पॉजिटिव बदलाव आता है। नारियल का प्रसाद आप पूरे घर में सभी सदस्यों को दे सकते हैं। और फिर आती है बात कि आपने चुनरी का बोला कि चुनरी आप सुरक्षित रख सकते हैं अपने पास। बहुत सारी चीजें देखिए, छोटी छोटी ऐसी चीजें होती है जहां हम ये चीजें भूल जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। कुछ इसी तरीके से अगर आप सारी सामग्री का प्रयोग करते हैं, यकीन मानिए माता रानी तो दूसरी नवरात्रि में आपसे भी ज्यादा एक्साइटेड होकर के आपके घर आने को तैयार होंगी, आपको आशीर्वाद देने को तैयार होंगी। बस इसी तरीके से आपने सारी विधियों को करना है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, जब भी हम कन्या पूजन करते हैं या फिर दुर्गा विसर्जित की बात करते हैं, तो हम लोग अपने घरों में सफाइयां भी करना शुरू कर देते हैं। भाई इससे ज्यादा साफ घर कहाँ होगा जहां माता रानी खुद आई थी। कितनी सफाई, क्या सफाई करेंगे हम, झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। आपको मालूम है बिल्कुल उस दिन माता रानी की कन्या पूजन के बाद या फिर दुर्गा विसर्जन के बाद में घर में झाड़ू पोछा नहीं लगाना चाहिए। वो घर तो इतना एनर्जी से भरा होता है, उस समय माता रानी आपको इतनी एनर्जी दे करके गई होती है कि आप उस एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो कभी भी जब भी आप अपनी माता रानी को घर से विदा करें, बिल्कुल अपने घरों की सफाइयों में मत लग जाइएगा। अगर सफाई में लगना है ना, तो वो सफाई कीजिए, यानी जो अंदर नेगेटिविटी है आप लोगों के, अगर कहीं एक कोने में थोड़ी सी भी बची हुई है उसे रिमूव करने का प्रयास कीजिए। वो जो नारियल का जल होता है अपने ऊपर छिड़काव कीजिए, जो कलश भरा होता है उसका जल थोड़ा सा पीने का प्रयास कीजिए, पूरे घर में उसका छिड़काव कीजिए। तो ये सारी सामग्रियां, सारी चीजें आप इनको प्रयोग में लेकर के आइए, क्योंकि ये वो एनर्जीज हैं जिसे पाने के लिए आपको फिर से अगली नवरात्रि का ही इंतजार करना पड़ेगा। और इस समय आपके पास है, आपके समक्ष है ये सारी चीजें, तो आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। घर में बीमारी कभी नहीं रहती है। अगर कहा जाता है कि उस जल का छिड़काव अगर आप पूरे कोनों में, घर के जितने भी कोने हैं सब में कीजिए, बालकनी है, अगर छत भी आपकी है तो छत पर भी जाकर के छिड़काव कीजिएगा, अगर आपकी स्टेयर्स हैं स्टेयर्स पर भी छिड़काव कीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि इस स्टेयर्स पे तो मैं चढ़ती हूं तो यहाँ पे तो दूसरे लोग भी चढ़ते हैं, दूसरे फ्लोर पे तो और लोग जाते होंगे, तो सबका भला होगा ना। जो पवित्र जल से क्रॉस करते हुए जाएगा, सोचिए उसके कितने कष्ट आप खुद ही काट देंगे, और सारी दुआओं के पात्र आप भी बन जाते हैं। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो यकीन मानिए हमारे लिए अच्छा होना स्वाभाविक है। अगर आप सबने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और सबसे पहले और साथ के साथ नोटिफिकेशन बटन जो होता है, जिसे बेल आइकन बना होता है, उस बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि कोई भी वीडियो मैं डालूं या फिर मैं लाइव आऊं, क्योंकि मैं हर दिन लाइव भी आती हूं अपने यूट्यूब चैनल पर, जहां मैं आप लोगों की फ्री कुंडलियां देखती हूं। तो आप लोग मेरे साथ लाइव के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं और मेरी सारी वीडियोस को आप एकदम देख सकते हैं। आप सबकी ब्लेसिंग से ये चैनल बहुत अच्छा जाने लगा है, और मैं चाहती हूँ कि आप ये ढेरों ब्लेसिंग और देते रहिए, और परिवार जो मेरा इतना है वो इतना बड़ा विशाल परिवार हो जाए। सब लोगों को ये वीडियोस जरूर शेयर करें। दीपावली का समय आने वाला है, अगर आप लोगों ने अभी तक मणि दीपक, मणि पोटली नहीं बुक करवाई है तो जल्द से जल्द करवाइएगा, क्योंकि ये मौका विलक्षण हुआ है। इस बार आपने ये उपाय जरूर करना है अपने घर में बढ़ोतरी करने के लिए, धन की, खुशियों की, समृद्धि की, सुख की। तो जरूर सबसे पहले आप अपनी बुकिंग करा लीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हम हर समस्याओं से
दूर रहते हैं। नमस्कार।